गणेश चतुर्थी पर्व और प्रतिमा विसर्जन को लेकर दुर्ग पुलिस ने शहर की जनता से शांतिपूर्ण आयोजन कराने की अपील की थी, जिसको लेकर दुर्ग पुलिस ने शहर की जनता का आभार जताया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर इस वर्ष पूरे दुर्ग शहर में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दुर्ग पुलिस द्वारा की गई अपील का नतीजा देखने को मिला, जहाँ बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बता दें, इस वर्ष शहर में बैठाए जाने वाले गणेश प्रतिमा और घर में विराजमान गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान कहीं भी डीजे का उपयोग नहीं किया गया। साथ ही इस बार कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी, जिसको लेकर दुर्ग पुलिस ने शहर की जनता का आभार जताया। इस संबंध में एडिशनल SP अभिषेक झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस बार गणेश विसर्जन जो 16 तारीख से प्रारंभ था, 16 से 18 तक के डेट में सभी लोगों ने विसर्जन का कार्यक्रम किया है, सभी पंडालों ने। और इसमें इस बार का विशेष चीज था कि पुलिस के द्वारा सबसे एक गुजारिश की गई थी और एक निर्देश भी प्रसारित किया गया था कि कोई भी डीजे का उपयोग नहीं करेंगे, और सभी पंडालों ने और पूरे दुर्ग की जनता ने इसको सराहा है और सभी ने सहयोग किया। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है हमारे यहाँ कि बहुत अच्छे ही शांतिपूर्ण माहौल में, पारिवारिक माहौल में ये जो विसर्जन का कार्यक्रम पूरा हुआ है। घटना दुर्घटना नहीं, विसर्जन के दौरान ऐसी कोई भी एक भी घटना नहीं घटी, बहुत ही शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से विसर्जन का कार्यक्रम हुआ। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।